हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लुकी सर अनलिमिटेड स्टडीज ऑन। सो गाइस, पिछले क्लास में हमने वर्क की डेफिनेशन पढ़ी, वर्क के डिफरेंट एस्पेक्ट्स देखे कि अगर फोर्स और डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है तो वर्क इक्वल टू एफ इनटू एस, अगर 90 डिग्री एंगल पे है सो वर्क इक्वल टू जीरो हो जाएगा। फिर हमने पॉजिटिव वर्क देखा, फिर हमने निगेटिव वर्क देखा। एंड गाइस, टूडे वी मूव ऑन टू द सेगमेंट, न्यू सेगमेंट इज एनर्जी। ओके, सो आइए गाइस, हम एनर्जी पढ़ते हैं कि एनर्जी क्या होती है। ओके, सो यहां से हमारा टॉपिक एनर्जी के लिए शुरू करने वाले हैं बड़े मजे के साथ। सो आइए स्टार्ट करते हैं एनर्जी। सो एनर्जी क्या होती है भाई साहब? एनर्जी इज कॉल्ड कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क बाय अ बॉडी इज नोन एज एनर्जी। किसी बॉडी के द्वारा काम करने की कैपेसिटी, तो भाई कोई बॉडी काम कितना कर पाएगा? आइडियली देखा जाए तो कोई बॉडी उतना काम कर पाती है, मतलब किसी बॉडी के अंदर जितनी एनर्जी होती है वो उतना ही काम कर पाती है। मतलब एनर्जी किसके इक्वल होगी? वर्क के अंदर। वर्क के इक्वल किसके इक्वल? वर्क के इक्वल। मतलब किसी बॉडी के अंदर कोई एनर्जी है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? वर्क में। यस और नो? जैसे आपने देखा होगा कि भाई जैसे बैटरीज हैं, बैटरीज के अंदर आपने एनर्जी होती है, बैटरीज में आपने क्या ले ली? एनर्जी ले ली है। ओके, यस, ये बैटरी है, बैटरी के अंदर आपने एनर्जी ले ली है, बैटरी है, सेल पॉजिटिव नेगेटिव है। यस और नो? कनेक्शन दे करके आपने क्या किया, इस बैटरी से पंखा चला दिया। क्या चला दिया? छोटा वाला पंखा होता है ना। यस और नो? तो इसने क्या करा, इसने मैकेनिकल वर्क करके ख़त्म कर दिया इस एनर्जी को। यस और नो? तो कुल मिलाकर के जी उसकी एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट हो गई है? वर्क में। तो अब बच्चा आप लोग समझ गए होंगे कि एनर्जी इक्वल टू वर्क, एनर्जी इक्वल टू वर्क, एंड वर्क इक्वल टू एनर्जी, वर्क इक्वल टू एनर्जी, ये दोनों एक ही चीज है। इसलिए एनर्जी की यूनिट भी जूल होती है और वर्क की यूनिट भी क्या होती है? जूल होती है, है ना। चलिए, नोट, एनर्जी पजेस बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ एनी कॉज इज इक्वल टू द टोटल वर्क डन बाय द बॉडी व्हेन द कॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनर्जी बिकम्स कंप्लीटली एक्सटिंक्ट। मतलब कि जब एनर्जी पूरी एक्सटिंक्ट यानी कि खत्म हो जाती है, क्या हो जाती है? पूरी खत्म हो जाती है। तो जब एनर्जी पूरी खत्म होती है तो उस पर, उस बॉडी पर टोटल वर्क डन के इक्वल होती है। मतलब वही जो मैंने बताया, थोड़ा सा डेफिनेशन खत्म, एनर्जी पजेस बाय द बॉडी वर्च्यू ऑफ एनी कॉज इज इक्वल टू द टोटल वर्क डन बाय द बॉडी। मतलब कि किसी बॉडी के पास एनर्जी है, किसी बॉडी के पास क्या है? अब ये एनर्जी किसी बॉडी दूसरे बॉडी पर क्या करेगी? वर्क करेगी। क्या करेगी? वर्क करेगी। तो भाई साहब, इसकी एनर्जी हो जाएगी मुर्दाबाद और वर्क हो जाएगा जिंदाबाद। मतलब कि वर्क आ गया और एनर्जी गायब हो गई, है ना। मतलब एनर्जी कम होती गई और इसको वर्क मिलता गया, एनर्जी लॉस्ट होती गई और इसको वर्क मिलता गया। बोलो है ना। बस यही फन चल रहा है। अब आइए बात करते हैं टाइप ऑफ एनर्जी। ये तो बेसिक है भाई, देयर आर मेनी टाइप ऑफ एनर्जी। आप नाम जानते हैं, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, साउंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, केमिकल एनर्जी और ना जाने जाने कौन कौन सी एनर्जी, जियो थर्मल एनर्जी, विंड एनर्जी और बहुत सारी एनर्जी जिनका हम नाम भी यहाँ पर नहीं बोल रहे हैं। आई मेनली हमारा पाला किससे पड़ा है, मेनली हमें जिसके साथ निपटना है वो है मैकेनिकल एनर्जी। क्या भाई साहब? मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्या है? द एनर्जी पोजेस बाय द बॉडी वर्च्यू ऑफ विच इट परफॉर्म सम मैकेनिकल वर्क। किसी बॉडी के अंदर धारण की गई हुई वो ऊर्जा, किसी बॉडी के अंदर धारण की हुई वो ऊर्जा समाहित हुई है ना, इसके अंदर कंटेन की गई, बॉडी के अंदर कंटेन्ड वो एनर्जी जिसके कारण ये कुछ ना कुछ कर सकती है, जिसके अंदर कुछ ना कुछ कर सकती है, चल सकती है, घूम सकती है, उछल सकती है, हाँ या ना। इस एनर्जी को बोलते हैं अपन काइनेटिक एनर्जी। क्या करते बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। द एनर्जी पजेस बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट परफॉर्म सम मैकेनिकल वर्क। सम कौन सा वर्क भाई? मैकेनिकल वर्क। अगर ये मैकेनिकल वर्क कर सकती है, अगर ये बॉडी कुछ मैकेनिकल वर्क कर सकती है तो उसके अंदर की जो एनर्जी होगी उसे हम बोलेंगे क्या? मैकेनिकल एनर्जी। अब भाई साहब, मैकेनिकल एनर्जी दो प्रकार की होती है। या तो बॉडी मूवमेंट कर पाएगी एनर्जी के बलते, बोलो हाँ ना, तो वो बन जाएगी उसकी काइनेटिक एनर्जी। क्या कर जाएगी? या अपनी पोजीशन का जलवा दिखा पाएगी। क्या दिखा पाएगी? पोजीशन का जलवा दिखा पाएगी, तो वो बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। अब बोलोगे सर ये पोजीशन का जलवा क्या है, है ना, अपनी स्टेट का जलवा दिखा पाएगी, तो ये क्या है भाई साहब? ये देख लो भाई साहब, आपके सामने ये स्प्रिंग है, बोलो हाँ ना, और ये स्प्रिंग बिल्कुल सिकुड़ी हुई है, मतलब कंप्रेस्ड है। क्या ये कंप्रेस्ड है? अब इसके सामने आपने एक बॉल रखा है, जैसे ही आपने स्प्रिंग से यहां से एक कील हटाई,
कील क्या करी, हटाई, जैसे इसको उठाया आपने, लिफ्ट किया तो ब्लॉक से मारेगा कि नहीं मारेगा, और ये इसको भेजेगा कि नहीं भेजेगा। तो भाई साहब ये जो एनर्जी थी ये स्प्रिंग के अंदर क्यों सेफ थी, इसकी पोजीशन के कारण, इसकी विशेष प्रकार की पोजीशन के कारण। हाँ या ना बोलना पड़ेगा, यस ना, पोजीशन के कारण एनर्जी स्टोर्ड थी, और इस पोजीशन के कारण स्टोर्ड एनर्जी को हम क्या कहते हैं बताइए, पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलते हैं बच्चों? बिल्कुल सही। तो पोजीशन के कारण है ना, स्थिति के कारण जो एनर्जी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। बिल्कुल हाँ, है ना। आप लोग पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के बाद आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, वो भी आपकी पोटेंशियल एनर्जी ही एक तरीके की, समझ गए ना। एक कम पढ़ा हुआ बच्चा, मतलब जो कॉन्फिडेंस तैयारी कम करके आया है, और एक जो कम ज़्यादा तैयारी करके आया, तो आपने देखा होगा जो पढ़ करके आया उस बच्चे का कॉन्फिडेंस हाई रहता है, तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होती है और इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी कम होती है। भाई साहब ये सुनो, आप एग्जाम में कॉन्फिडेंट हो गए जाते हैं तो मज़ा ही अलग रहता है। अब दूसरी टाइप की एनर्जी की बात करते हैं, काइनेटिक एनर्जी। क्या बात है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फंडा ये है भाई साहब कि अगर कोई बॉडी दुनिया की मोशन में है, किसमें है, अगर कोई बॉडी दुनिया की एक मोशन कर रही है, यूनिफॉर्म मोशन कर रही है या नॉन यूनिफॉर्म कर रही है, तो बेटा अगर कोई बॉडी मोशन की है मोशन, तो अगर उसकी कोई कुछ ना कुछ वेलोसिटी है एट द टाइम, तो उस वेलोसिटी के कारण ये कोई ना कोई एनर्जी कंटेन करती है। अगर वो एनर्जी जो होती है, ये एनर्जी जो कहलाती है, क्या कहलाती है, काइनेटिक एनर्जी। द एनर्जी कंटेन्ड बाई अ बॉडी बाई वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। जितने भी दुनिया में एक्सीडेंट होते हैं ये काइनेटिक एनर्जी की वजह से ही होते हैं, है ना। काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, आकर के टकरा जाती है बॉडी, डिस्ट्रक्शन हो जाता है। क्यों? क्योंकि इनमें काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी। तो दुनिया में बेटा जिसके पास भी वेलोसिटी है ऑटोमेटिकली उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, यस और नो। एनर्जी पजेस बाय द बॉडी ड्यू वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। काइनेटिक एनर्जी पजेस बाय मूविंग बॉडी इज इक्वल टू द टोटल वर्क डन बाय द बॉडी जस्ट बिफोर कमिंग इन टू द रेस्ट। एक बहुत जबरदस्त बात करी गई है कि किसी बॉडी के पास काइनेटिक एनर्जी कितनी है, किसी बॉडी के पास काइनेटिक एनर्जी कितनी है। मैंने तुम्हें खाना खिलाया और खाना खिलाने के बाद मैंने बोला तुम्हारे अंदर कितनी एनर्जी गई, बोलो हाँ या ना। मैं बोलूंगा इसको तब तक काम करवाओ जब तक एक खटिया पे ना गिर जाए, हाँ या ना। इससे तब तक काम करवाओ जब तक एक खटिया पे ना गिर जाए, और उस काम को तुम मेजर कर लेना, वही भाई साहब इसके अंदर एनर्जी गई है, बोलो हाँ या ना। भाई खाना खिलाया तुम टना टन हो गए, और तुमसे काम लिया, इतना काम लिया कि तुम बिल्कुल थक हार करके चूर चूर होके गिर गए, तो भैया वहां तक तो तुमने काम किया, एक आइडिया लगाया जाता। इसी तरीके से अगर मान लो कोई बॉडी वी नॉट वेलोसिटी से भाग रही है, बोलो हाँ, अगर आपको देखनी है इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो एक काम करो इसको रुकने का मौका दो, क्या करो, रुकने का मौका दो, इसको फोर्स लगा के रोको, इसको फोर्स लगा के रोको। भाई साहब जब फोर्स लगा करके रोकोगे तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से आपको वर्क करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, मतलब इसके पास जो एनर्जी है उसको बैलेंस करने के लिए आपको उल्टा वर्क करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो ये कब रुकेगी? जब आप इसको उल्टा वर्क के बराबर दे, तो जो आपका वर्क आएगा इसको रोकने के लिए वही क्या बनेगी, इसकी एनर्जी बनेगी। आई बस समझ में ना, इसलिए यहां पे लाइन लिखी हुई है कि द टोटल एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन बाय द बॉडी टू बॉडी जस्ट बिफोर कमिंग इनटू द रेस्ट। आई बस समझ में ना। चलो तो फिर हो जाए डेरिवेशन भाई साहब। एक बहुत अच्छा इक्वेशन जिसका नाम है काइनेटिक एनर्जी के इक्वल टू हाफ एम वी का स्क्वायर। ये देख लीजिए भाई साहब, ये बॉडी है जिसकी वेलोसिटी कितनी है, वी जीरो, तो यहां पे वी जीरो आ जाएगा, और ये एस डिस्प्लेसमेंट चल के ये बॉडी रुक जाती है, हाँ ना। तो न्यूटन का थर्ड लॉ हम यहां पर लगा सकते हैं, कंसीडर अ बॉडी एम इज मूविंग विद वी जीरो आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस एस कम टू द रेस्ट। तो भाई साहब न्यूटन का थर्ड लॉ यहां पर लगेगा, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, बोली है ना। वेलोसिटी फाइनल कितनी है, जीरो, इनिशियल कितनी है, वी जीरो, और ये क्या है, टू ए एस, क्लियर हुआ, टू ए एस, ठीक है ना। एक्सेलेरेशन हमें पता नहीं है, फाइनल इनिशियल वेलोसिटी, तो एक्सेलेरेशन आ गया भैया कितना, माइनस वी स्क्वायर अपॉन टू एस आ गया, v square upon 2s। अब आप जानते हैं कि जो वर्क डन होगा, फोर्स ऑन द बॉडी, फोर्स इक्वल टू होता मास इनटू एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन आ गया ना। तो बॉडी का मास अगर m है तो बॉडी पर लगने वाला फोर्स इतना आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब जो वर्क डन होता है, वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो भाई साहब देखिए, ये बॉडी का फोर्स है, बॉडी पर लगने वाला फोर्स है, क्लियर, यस और नो। ये बॉडी पर, हैंस फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, फोर्स जो बॉडी पे एक्ट हो रहा है वो इतना एक्ट हो रहा है, क्लियर। अब
ये जो बॉडी थी ये भाई साहब इस पर फोर्स यहाँ लगा रहे थे कि नहीं लगा रहे थे, और बॉडी इस फोर्स के प्रभाव में कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करी है? यस यस ऑनो करी या ना करी? तो कल मैंने बताया था वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट एस, हाँ है ना? सो एफ डॉट एस, तो भैया यहाँ पे एफ एस कॉस थीटा, तो ये वाली साइड पीछे है, ये वाली साइड डिस्प्लेसमेंट आगे है, बोलो कॉस कितने डिग्री? निगेटिव वर्क डन है भाई साहब, उल्टा काम चल रहा है, मतलब अपोज हो रहा है, तो कॉस वेलिटी की वैल्यू होती है माइनस एफ एस, हो गया कि नहीं हुआ? तो भाई साहब वैल्यू पुट कर दो, माइनस एफ की वैल्यू आपने कितनी निकाली, देखो ये माइनस एक और है, एक और माइनस भाई साहब एम वी नॉट स्क्वायर अपॉन कितना 2s, और एक साथ में डिस्प्लेसमेंट ये वाला s वाला, s से s क्या हो गया कैंसिल, और माइनस से माइनस क्या हो गया, लो आंसर आ गया 1/2 एम वी नॉट का स्क्वायर आ गई। ये है काइनेटिक एनर्जी, क्या है ये? काइनेटिक एनर्जी। ये डेरिवेशन आपके बहुत एग्जाम में आता है, इसलिए बॉडी पर जो इस मोमेंट पर जो काइनेटिक एनर्जी थी, इस मोमेंट पर वो क्या थी, हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर, वी नॉट दिया तो वी नॉट और वी दिया है तो वी, जिस वेलोसिटी से उस समय बॉडी मूव कर रही होगी वो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। बोलो क्लियर है कि नहीं? क्लियर बन जाएगा ना, एनी प्रॉब्लम? चलिए अब निकालते काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। ये अच्छा डेरिवेशन है, बहुत एग्जाम में आता भी, इस पर छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। देखते हैं काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम हम कैसे निकाल लेंगे बच्चों। देखो आपने निकाला है के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, बोलिए यस नो? तो k इज इक्वल टू 1/2, मैंने यदि m का मल्टीप्लाई ऊपर कर दिया तो ये हो गया m स्क्वायर v स्क्वायर, और मुझे m का डिवाइड भी नीचे करना पड़ेगा, बोलो यस और नो? तो k इज इक्वल टू 1/2, बेटा आप जानते हो कि मोमेंटम इक्वल टू होता p इक्वल टू कितना m इनटू v, तो क्या मैं इसको p का स्क्वायर लिख सकता हूं अपॉन में कितना m? सो बेटा काइनेटिक एनर्जी इन द टर्म्स ऑफ मोमेंटम कितना आ गया, p स्क्वायर अपॉन 2m, बोलो हां या ना? तो काइनेटिक एनर्जी इन द टर्म्स ऑफ मोमेंटम हो गया कितना, p स्क्वायर अपॉन 2m, क्लियर है? यहां से एक और जबरदस्त बात निकल करके आ रही है, मोमेंटम इन द टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी निकल के आ गया, तो यहां से p स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 2km, बोलो हाँ या ना? 2km होगा कि नहीं होगा? सो p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2km, p इज इक्वल टू अंडर रूट 2km, क्लियर है बच्चे? सो ये तो मैंने यहां लिख दिया, बट अब लिख देता हूं p इज इक्वल टू अंडर रूट 2km, ठीक है ना? मतलब मोमेंटम का रेशियो बनाना हो तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ, और काइनेटिक एनर्जी का रेशियो बनाना हो तो ये वाला फॉर्मूला बनाओ। बोलो आ भाई समझ में, कोई दिक्कत है? अब बात करते हैं अगले टाइप ऑफ एनर्जी की बच्चों। अगले टाइप ऑफ एनर्जी का नाम है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी एक कंपैरिजन टाइप की एनर्जी होती है बच्चों। ये क्या होती है? कंपैरिजन टाइप की एनर्जी। ये एनर्जी एक बहुत ही अलग तरीके की एनर्जी है बच्चों। अब मैं इसको ऐसे समझाता हूँ, थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि बेटा पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव भी होती है। क्या होती है? नेगेटिव, ठीक है ना? एक बड़ी अजब सी बात है, बड़ी मजेदार सी बात है, बड़ी नासहन होने वाली बात है यार, पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव कैसे होती है ना, नेगेटिव कैसे होती है? मान लीजिए ये आपके ऊपर है, आप सबसे पहले इसमें एक रेफरेंस तय करते हैं। क्या तय करते हैं? रेफरेंस। आपको अपने घर में सीढ़ी बनानी है, आपको अपने घर में क्या बनानी है? सीढ़ी बनानी। तो आपने एक ग्राउंड ले लिया, बोलो हाँ। तो ग्राउंड की हाइट कितनी है? जीरो। ग्राउंड की हाइट कितनी है? अब आप ऊपर जाओगे तो ऊपर जाने पर आपकी हाइट बढ़ती जाएगी कि नहीं बढ़ती जाएगी? यस और नो? ऊपर जाने पर आपकी हाइट क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। तो इसको आप मान सकते हो प्लस एच। क्या मान सकते हो? प्लस एच। ऐसे अपवर्ड जाने पर आपकी एनर्जी बढ़ रही है, प्लस एच है, बोलो यस और नो? बट अब आप गहराई पे जाओगे तो ये जो डिस्टेंस जाओगे क्या मानोगे इसको? माइनस एच, यस और नो? आपके आज तक जिंदगी में 70% बन रहे थे, कितने बन रहे थे? 70% आपके लिए रेफरेंस था। क्या था 70% आपके लिए? अगर आप 70 से 75 जाओगे, आप 70 से 80 जाओगे, आप 90 जाओगे, तो मतलब आपका पोटेंशियल बढ़ रहा है। आपका पोटेंशियल क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। बट भाई साहब अगर आप 70 से 65 चले गए तो आपका पोटेंशियल क्या हो गया? कम हो गया ना। मतलब एनर्जी आपकी किस में चली गई? नेगेटिव में चली गई। क्यों? क्योंकि आपका रेफरेंस क्या है? 70। क्या रेफरेंस है? 70। समझ में आ गया? आपका रेफरेंस क्या है? 70, ठीक है ना? देखिए आप क्लास में कंपेरिजन करते हैं, आपके मार्क्स आए 50, सामने वाले क्या है? 60। तो 60 से कंपैरिजन करते तो आप बोलते हो भाई साहब इसके मार्क्स मेरे से 10 ज्यादा हैं, बोलो हाँ है ना? आप अपने आप को तो बेस में मान के चलते हो ना, आप अपने आप को तो सेंटर पे मान के चलते हो कि नहीं मान के चलते हो? यस और नो? तो आप बोलते हो मेरे से कितने ज्यादा हैं? 10। और जिसके 40 आए हैं आप उसको देख करके खुद के सोचोगे कि मेरे 10 प्लस हैं, मगर 40 वाला सोचेगा यार मेरे क्या है? 10
माइनस, आई बात समझ में ना। मतलब पोटेंशियल एनर्जी में बच्चों रेफरेंस का एक बहुत बड़ा महत्व है, रेफरेंस का एक बहुत बड़ा महत्व है, समझ गया ना। मतलब पोटेंशियल एनर्जी में सबके अपने अपने रेफरेंस हो सकते हैं, सबके अपने अपने रेफरेंस हो सकते हैं। बोलो क्लियर हुआ। तो पोटेंशियल एनर्जी प्लास्टिक पे सॉरी पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है। चलो आओ देखते हैं व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी पजेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और स्टेट। लियो भाई साहब, यहां पर मैंने जमीन से उठा करके किसी ऑब्जेक्ट को यहां पर रख दिया बहुत हाइट में, बोलो यस और नो। तो इसके पास एनर्जी है कि नहीं है? है, क्योंकि जब ये गिरेगा अपने आप तो काम करेगा कि नहीं करेगा? काम कहाँ से करा? क्योंकि इसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर थी, मतलब इस पोजीशन पर इसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी थी, इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और भैया क्योंकि ये ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में है तो ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में जो टोटल एनर्जी होती है उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। आई बात समझ में ना। आपने भाई रबर ले रखा, क्या ले रखा है? रबर, सिंपल रबर बैंड है, इसको खींच करके आपने योग कर दिया, बोलो हाँ है ना। इसके अंदर एनर्जी आ गई कि नहीं आ गई? ये क्या कहला गई? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या कहला गई? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। एक और एनर्जी होती है बच्चों क्लास 12th में आप पढ़ोगे जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, एक आपके पास क्या रहेगा? चार्ज रहेगा। क्या रहेगा? एक आपके प्लस चार्ज। क्या रहेगा? प्लस क्यू, क्यू वन है ना। आप पकड़ करके दूसरा चार्ज प्लस क्यू टू इसके मुंह के सामने रख दो, बोलो है ना। तो ये इसके भी दोनों के बीच में क्या काम करेगा? रिपल्सन। क्या काम करेगा? रिपल्सन। ये इससे बोलेगा दफा हो जाओ यहां से, बोलो है ना। आप जब तक हाथ लगा हो तब तक तो ये नहीं जाएगा, जैसे हाथ छोड़ोगे टी बहुत जोर से भागेगा, नहीं भागेगा। मतलब इन दोनों के बीच में कौन सी एनर्जी थी? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इनके म्यूचुअल रिपल्शन के कारण वो एग्जिस्ट कर रही थी। समझ में आ गया ना? जैसे क्लियर हो गया ना। आप भी दो दोस्त होंगे जो एक दूसरे को बिल्कुल देखना पसंद नहीं करते होंगे, बोलो है ना। उनके बीच में एक राइवलरी मची रहती, गदर मची रहती, बोलो है ना। उनके बीच में भी जो एनर्जी होती वो क्या होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो वो एनर्जी बड़ी पॉजिटिव होती है, क्या होती है? पॉजिटिव। रिपल्सन वाली एनर्जी क्या होती है? पॉजिटिव, है ना। और दो दोस्त ऐसे भी होते हैं जो एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते हैं, बोलो है ना, है ना। क्लियर हो गया ना। तो इनके बीच की जो एनर्जी वो भी होती है, हाँ है ना। ये एनर्जी है ये इनके अट्रैक्शन से बनती है, और ये एनर्जी क्या है? इनके रिपल्सन से बनती है, बोलो हाँ है ना। इस एनर्जी में एक दूसरे को भेज देंगे बाहर, और इस एनर्जी में एक दूसरे को बुलाने का प्रयास करेंगे। तो ये एनर्जी कहलाती है निगेटिव एनर्जी। क्या कहलाती है? जो एडिक्शन की एनर्जी होती है बच्चों निगेटिव होती है, याद रखना। एडिक्शन जिस चीज में होता है वो क्या होता है? निगेटिव। और संत महात्मा लोग कहते हैं आप ऋणात्मक ऊर्जा से बचिए, ऋणात्मक ऊर्जा ने आपको चारों तरफ से घेर रखा है, निगेटिविटी में मत रहिए, बोलो हाँ है ना। बोलते हैं ना निगेटिव लोगों के साथ मत रहो, निगेटिव एनर्जी होती है, ऐसी होती है ना भाई बातें इस टाइप की, बोलो यस कि नो। तो भाई साहब फिर शुरू करते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैसे कमाई जाती है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, आ जाओ भाई देखते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैसे कमाई जाती है। ये देखिए भाई साहब, ये अपनी अर्थ है, ठीक है ना। ये अपनी क्या है? अर्थ है। अर्थ है, और अर्थ के ऊपर ये एम मास का ऑब्जेक्ट रखा है, एम मास का ऑब्जेक्ट रखा है। एम मास के ऑब्जेक्ट पर बेटा ग्रेविटी तो लगती है, क्योंकि धरती माता कहे पुकार आजा लल्ला, अब की बार समझ गए, इस पर जी लगता है, बोलो है ना। क्लियर है ना, इस पर जी लगता है। अब आपने भाई साहब इस पे वर्क करना शुरू किया, मतलब इस पर फोर्स कितना लग रहा है? एम जी। कितना लग रहा है? एम जी। लग रहा कि ना लग रहा? और यही फोर्स कहलाता है इसका वेट फोर्स। क्या कहलाता है? इसका वेट फोर्स। बट आप मानने वाले कहो भाई साहब, आपने इसके इक्वल फोर्स लगा करके इसको थोड़ी दूर हाइट तक घसीट करके ले गए, बोलो है ना। नीचे लग रहा है कितना? एम जी। नीचे क्या लग रहा है? एम जी। तो हम ऊपर भी कितना लगाएंगे? एम जी भाई साहब, उसको उठाना जो है, हाँ है ना। तो ऊपर एम जी लगा करके कितनी हाइट तक ले गए? एच हाइट तक। कितनी हाइट तक? एच हाइट तक। अब ध्यान से देखो, एम जी कहाँ लग रहा है? ऊपर। डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ है? ऊपर। यस और नो? तो भैया फोर्स, वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा, बोलिए यस और नो। फोर्स की जगह कितना जगह? एम जी। एस की जगह कितना है? एच। और कॉस थीटा कितने डिग्री? कॉस जीरो, क्योंकि दोनों सेम सेम है, हाँ है ना। एम जी एच कॉस जीरो की वैल्यू कितनी? वन। आंसर आ गया कितनी? एम जी एच। हमारा काम आपकी एनर्जी, बोलो है ना। हमने जो काम किया आपने वही तो स्टोर कर लिया, बोलिए सुनो। तो हमने जो काम किया, ये जो हमारा वर्क है एम जी एच, बोलो हाँ, हमारा तो काम है। हमारा क्या है? काम है। और आपने क्या कर लिया? इसको स्टोर कर लिया, किस फॉर्म में? एनर्जी की फॉर्म में। पोटेंशियल एनर्जी यू इक्वल टू एम जी एच, बोलो हाँ है ना। क्लियर है सुनो? बन गया ना। तो यहां पर भाई साहब इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। दिस वर्क वॉज स्टोर्ड इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल
एनर्जी, बोलो हाँ या ना। रबर पकड़ के खींच दिया, बोलो हाँ। काम किसने किया? आपने। एनर्जी कौन की? रबर की। काम हमारा, एनर्जी सामने वाले की, हाँ या ना। क्लियर हो गया? मतलब जब जब आपका काम खर्च होगा, सामने वाले की एनर्जी बढ़ेगी। सामने वाले की एनर्जी जब जब तुम काम करोगे तो सामने वाले की एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी। क्लियर हुआ? काम हमारा, एनर्जी आपकी। यहां पर काम कौन कर रहे हैं? सर जी, हाँ या ना। खर्चा किसका हो रहा है? सर जी का। एनर्जी किसकी बढ़ रही है? आपकी। कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी, नॉलेज वाली, हाँ या ना। क्लियर हो गया ना? यही है एनर्जी कंजर्वेशन भाई। संसार के हर कोने में लगता है एनर्जी कंजर्वेशन। समझ में आ गया? अब बात करते हैं दूसरी, है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। भाई साहब, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी एक ना होती है, बहुत सारी होती हैं। एक नहीं होती, कितने टाइप की होती है? बहुत प्रकार की होती है। ऊपर वाली क्या थी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक एनर्जी बेटा एक नहीं होती, बहुत टाइप की होती है। क्यों? क्या क्या है इलास्टिक? इलास्टिक का मतलब क्या है बेटा? इलास्टिक का मतलब क्या है? ऐसी एनर्जी जहां पर लगने वाला फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट हो। फोर्स क्या हो? डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट हो। देख लो, रबर को खींचे, बोलो हाँ। रबर को खींचे, डिस्प्लेसमेंट ले गए कहां? आगे। कहां ले गए? फोर्स कहां लगेगा? पीछे, हाँ या ना। फोर्स कहां लगेगा? पीछे, यस और नो। स्प्रिंग, स्प्रिंग को दबा दिया, स्प्रिंग को क्या कर दिया? दबा दिया, बोलो हाँ ना। डिस्प्लेसमेंट यहां ले गए, बोलो हाँ या ना। और फोर्स कहां लगेगा? झटका कहां मारेगा? चुक, बोलो यस और नो। क्लियर हो गया ना? तो ऐसी सिचुएशन जहां पर हो, जहां पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो, वहां पर जो एनर्जी बनती है उसको हम बोलते हैं क्या? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आया? अब इसका कोई एक स्थान नहीं है, इसके बेटा बहुत सारे स्थान है। ये एनर्जी बहुत जगह पर बनती है। इवन तो इवन तुम अपने हाथ से खींच करके, जो कंचा खेलते थे बचपन में, कंचा, अरे वो खेलते ना चिरंगा कंचा जो होता है यार, मार्बल्स, मार्बल्स खेलते हो? अब वो ना खेले होगे तो बचपन में पकड़ करके वो कागज की लुढ़िया तो मारे होगे दोस्तों को यार, हाँ है ना। तो वो कौन सी एनर्जी है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। वो अपने हाथों की ही इलास्टिसिटी का तो इस्तेमाल किया है, हाँ है ना, है ना। दूसरा, वो बच्चे रबड़ में गिट्टा फंसा करके मारा करते हैं। हमारे टाइम में तो ये भाई साहब नेशनल स्पोर्ट हुआ करता था स्कूल का। वो ऐसा बड़ा सा गिट्टा बना लेते हैं रबड़ में, इतना बड़ा कागज को कटाक से कान के नीचे फिरा के जो घलता है ना भाई साहब, पूरे चट एकदम, मतलब छठवें पीरियड में भी ताकत आ जाती है एकदम। तो भाई साहब, एनर्जी पजेस बाय द स्प्रिंग बाय द वर्च्यू ऑफ कंपेरिजन और एक्सपेंशन। देखो भाई, एनर्जी पजेस बाय द स्प्रिंग और वर्च्यू बाय वर्च्यू ऑफ कंप्रेशन और एक्सपेंशन अगेंस्ट इलास्टिक फोर्स, अगेंस्ट इलास्टिक फोर्स। ये जो फोर्स की विशेष कैटेगरी है भैया, इसको बोलते हैं इलास्टिक फोर्स। इन द स्प्रिंग इज नोन एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब टेंशन मत लो, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी केवल स्प्रिंग बस में पैदा नहीं होती, बहुत जगह पैदा होती है। स्प्रिंग में होती है, इलास्टिक में होती है, रबर में होती है, सब में लगभग पैदा होती है। आई बात समझ में? अब ये भाई साहब आपके सामने स्प्रिंग की महिमा का यहाँ पर वर्णन किया गया। आप देख सकते हैं स्प्रिंग के बारे में बात किया गया कि स्प्रिंग होती है। अब मोटी मोटी बात देख लो भाई साहब, ये स्प्रिंग है, इसकी नॉर्मल सिचुएशन थी, ये है x इक्वल टू जीरो, मतलब इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं था, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं था, हाँ जी, है कि ना है? बाजार से खरीद के लाई स्प्रिंग, इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, टांग दिया, बोलो हाँ है ना। अब भैया इस पर हमने फोर्स लगाया, लगाया तो स्प्रिंग अपनी पोजीशन से एक्स डिस्प्लेसमेंट तक खींच करके आ गई, बोलो हाँ। ये हमारा फोर्स है, इसे आप कह सकते हो बेटा एफ एक्सटर्नल। क्या बोल सकते हो? एफ एक्सटर्नल। लगाए गए एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्शन के अपोजिट एक उल्टा फोर्स उसको काउंटर करने के लिए उतना ही क्रिएट हो गया, जितना आपने लगाया उसी का उल्टा, उसे बोलते हैं एफ आर। एफ आर मतलब रीस्टोरिंग फोर्स। क्या बोलते हैं उसको? रीस्टोरिंग फोर्स। जितना मतलब आप लगाओगे उसी का उल्टा बनता जाएगा। रीस्टोर मतलब वापस उसको उस शेप में लाने का प्रयास करेगा। बोलो जी, यस। अब ध्यान से देखो बेटा कि यदि मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो प्रोपोर्शनल होगा किसके? एक्स के। तुम इधर खींचो, हम उधर बढ़ेंगे, हाँ या ना। जितना जोर का खिंचाओ उतने जोर का फोर्स, मतलब एफ आर प्रोपोर्शनल टू एक्स। एफ आर मतलब एफ री स्टोरिंग प्रोपोर्शनल टू एक्स। कॉन्स्टेंट हटेगा? ना 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 ना, प्रोपोर्शनल हटेगा, कॉन्स्टेंट आएगा। एफ आर इक्वल टू के एक्स, बोलो पक्की बात।
वेयर के इज कॉल्ड स्प्रिंग कॉन्स्टेंट, है ना, के इज कॉल्ड स्प्रिंग कॉन्स्टेंट, ये बन गया बेटा स्प्रिंग लॉ, समझ में आ गया, ये बन गया स्प्रिंग फोर्स। अब के की वैल्यू निकाल लो, अब वही भाई साहब के क्या होता है, के क्या होता है, वैल्यू कर देखो, एफ इज इक्वल टू आपने देखा के एक्स, अगर एक्स इक्वल टू वन है मतलब स्प्रिंग में एलोंगेशन कितने हैं, वन वन मीटर, कितने एलोंगेशन है, मतलब स्प्रिंग को वन मीटर खींचने के लिए जो फोर्स लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा वही क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, वही क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट। हेंस फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग मे बी डिफाइंड एज द रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप्ड विद इन द स्प्रिंग व्हेन इट्स लेंथ चेंज बाय यूनिटी, मतलब स्प्रिंग की लेंथ को यूनिटी से चेंज करने के लिए जो फोर्स लगाना लगता है, रीस्टोरिंग फोर्स लगता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फोर्स कांस्टेंट, क्या बोलते हैं। तो जाहिर सी बात है भैया, अगर ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक्स की वैल्यू तो वन है, अगर ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा तो के क्या होगा, ज़्यादा, मतलब जो स्प्रिंग ठोस होगी उसका कांस्टेंट ज़्यादा होगा और जो स्प्रिंग मुलायम होगी उसका कांस्टेंट कम होगा। बोलो क्लियर हो गया, बन जाएगा ना, ओके। हाँ, अब इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, बट इन इक्विलिब्रियम रीस्टोरिंग फोर्स बैलेंसेड द अप्लाइड फोर्स, if x equal to 1 then f equal to 1, hence force constant of spring is also defined as the force required to change its length by unity in the equilibrium। ये भी कह सकते हो, हालांकि दोनों एक ही बात है, f equal to 1 applies the force required to change its length ही, भाई क्या हुआ, कोई फर्क ही ना हुआ, f is equal to k लिखना पड़ेगा, x equal to 1 पे f equal to कितना, k, देख लो भाई साहब, देखो एफ री स्टोरिंग जो है किसके इक्वल है, अप्लाइड फोर्स के इक्वल है, बताया था मैंने कि री स्टोरिंग फोर्स ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स क्या होते हैं, इक्वल, यस और नो, री स्टोरिंग फोर्स और ऊपर और नीचे का फोर्स क्या होते हैं, इक्वल, इक्वल टू कितना है, के एक्स है कि ना है, अरे बोलो जोर से यार, है ना, और एक्स की वैल्यू वन डाल दो, कितना डाल दो, वन, तो एक्स की वैल्यू वन डालोगे तो एफ इक्वल टू क्या निकल कर आएगा, के निकल के आएगा कि नहीं आएगा, मतलब फोर्स कॉन्स्टेंट किस फोर्स के इक्वल होता है, अप्लाइड फोर्स के, समझ में आ गया, क्लियर है ना, मतलब अगर अप्लाइड फोर्स ज्यादा लगाना पड़ रहा मतलब फोर्स कांस्टेंट ज्यादा है, और अप्लाइड फोर्स कम लगाना पड़ रहा मतलब फोर्स कांस्टेंट कम है, हाँ या ना, कोई दिक्कत। चलिए ये देखिए, अब हम निकाल रहे हैं वर्क डन इन स्प्रिंग, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, फिर वही कंसेप्ट, काम हमारा एनर्जी आपकी, बोलो जी हाँ, काम हमारा और एनर्जी आपकी, हमारा काम आपकी एनर्जी बनेगी कि नहीं बनेगी, तो अब मैं वही करवा रहा हूँ, देख लो भाई साहब, ये अपने पास में स्प्रिंग है, इसकी लेंथ कितनी ओरिजिनल L, अब ये मैंने इसको x डिस्टेंस तक घसीटना है, बोलो हाँ, कहाँ तक घसीटना है, घसीट नहीं दिया, x डिस्टेंस तक घसीटना है, बोलो हाँ है ना, तो x डिस्टेंस तक घसीटूंगा तो इस पर रीस्टोरिंग फोर्स काम करना शुरू हो जाएगा, कितना रीस्टोरिंग फोर्स काम करेगा, f इक्वल टू के एक्स, एफ इक्वल टू, मान लिया मैंने कि f इक्वल टू के एक्स के प्रभाव में इसको थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट मैंने dx दिया, कितना दिया dx, पहले छोटा सा खसकाया, कितना खसकाया, छोटा सा खसकाया कि नहीं खसकाया, तो मैंने छोटा सा इसको dx खसकाया, किसके प्रभाव में, f इक्वल टू के एक्स के प्रभाव में, बोलो यस, पक्की बात ना, मैंने इसको f इक्वल टू के एक्स के प्रभाव में छोटा सा खिसकाया, बोलो यस, चलो, तो f इक्वल टू डी एक्स छोटा सा खसकाने में स्प्रिंग के द्वारा किया गया काम, ठीक है ना, f इक्वल टू डी एक्स में खसकाने में किया गया काम, देखो भाई साहब ये है फोर्स कितना होता है, f इक्वल टू के एक्स है ना, तो डी डब्ल्यू पढ़ा रखा है, डी डब्ल्यू इक्वल टू कितना होता है, f इंटू डी एक्स, f इंटू डी एक्स, ठीक है ना, हाँ। अब देखो भाई, तो अब अपने पास में f की वैल्यू f है और हमने इसको इधर की ओर खिसकाया है फोर्स के अपोजिट, स्प्रिंग फोर्स यहाँ लग रहा है, आप इतना टेंशन ना लो, आप डोंट वरी, f की जगह देखो भाई साहब, f की जगह फोर्स जो है, फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, एफ डी एस कॉस थीटा, तो इसको डी एक्स लिख लो, एफ डॉट डी एक्स, चलो देखो बेटा फोर्स कितना लग रहा है अपने पास, के एक्स, बोलो हाँ, और डी एक्स क्या है, डी एक्स है,
क्लियर हो गया ना। और कॉस कितने डिग्री, 180 डिग्री, क्यों? स्प्रिंग फोर्स लग रहा है अंदर, हाँ है ना। और डिस्प्लेसमेंट कहाँ हुआ है, बाहर हुआ कि नहीं हुआ, पक्की बात ना। तो अपने कॉस 80 कितना होता, माइनस वन होता है कि नहीं होता है, तो अपने पास कितना आ जाएगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस का के एक्स और कितना डी एक्स। बोलो अब आ गया समझ में कि नहीं आया। अब यदि स्प्रिंग को हम एक्स जीरो डिस्टेंस तक खिसकाना चाहते हैं तो डी डब्ल्यू अपने पास कितना आ गया है, माइनस का के एक्स और डी एक्स। बोलो हाँ है ना। तो भैया पूरा वर्क कयामत से कयामत तक कहाँ खसकाए हो, जीरो, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन कहाँ से खसकाए हो, डी एक्स को एक्स इक्वल टू जीरो से। बोलो हाँ, कहाँ तक खसकाए हो, एक्स जीरो तक, पक्की बात है ना। और यहाँ पे इंटीग्रेशन माइनस का के एक्स और कितना डी एक्स, ठीक है ना। तो ये पुट कर दिया भाई साहब अपन ने, माइनस का के एक्स और डी एक्स। चलो सॉल्व कर देता हूँ, देखो बेटा तो माइनस के बाहर हो गया, बोलो हाँ है ना। और x का इंटीग्रेशन कितना हो गया, एक्स स्क्वायर अपॉन टू, और लिमिट है x जीरो से लेके कितना, जीरो, जीरो से x जीरो, जीरो से x जीरो, जीरो से लेके x जीरो, जीरो से लेके कितना, एक्स जीरो। बोलो हाँ है ना, क्लियर। तो माइनस के एक्स स्क्वायर बाई टू, तो ऊपर आएगा माइनस के बाई टू एक्स जीरो का स्क्वायर, और माइनस का जीरो हो जाएगा। बोलो हाँ है ना। तो कितना आ गया अपने पास, माइनस वन अपॉन टू के एक्स जीरो का स्क्वायर, यस और नो? हाँ बोलो, सही है कि नहीं है? थोड़ा देखो सही क्या है, कंसेप्ट को समझो। माइनस के एक्स जीरो का स्क्वायर क्यों आया है, क्योंकि मैंने किसका वर्क डन निकाला है, स्प्रिंग का। किसका निकाला है, तो स्प्रिंग, क्योंकि मैंने फोर्स किसका लिया था, यहाँ पे देख लो, स्प्रिंग का। किसका फोर्स लिया था, स्प्रिंग का मैंने फोर्स लिया था, हाँ है ना। बट हमारा काम हमें निकालना है ना, तो हमारा काम क्या होगा, जस्ट इसका अपोजिट, जस्ट इसका अपोजिट, हाँ है ना। तो ये तो स्टोर हुआ है, ये क्या हुआ है, हमने इसके अपोजिट काम किया है, तो हमारा जो काम है वो कितना है, हाफ के एक्स का स्क्वायर। समझ में आया, हाफ के एक्स का स्क्वायर। ये देखो भाई साहब, यहां लिमिट अपोजिट रख दी, पता नहीं कैसे रख दी। भैया आपने खसकाना शुरू किया था कहां से, जीरो से लेके एक्स जीरो तक खींचा ना है आपने, शुरुआत में आपने, शुरुआत में आपकी एक्स इक्वल टू जीरो थी, और बाद में आपने एक्स इक्वल टू एक्स जीरो पर ले गए हो, तो आपका लिमिट लगेगी क्या, जीरो से लेके एक्स जीरो, जीरो से लेके एक्स जीरो, और आपने उल्टी लिमिट लगा दी, समझ गए। तो जीरो से लेके एक्स जीरो लिमिट लगाई गई है, एक मिनट यहां पे देखते हैं, बाद में तो सही कर दिए, एक्स जीरो से लेके जीरो कर दिया, यहां पे लगाते हैं लिमिट अपन, माइनस के अपर लिमिट एक्स जीरो बाई टू, हाँ ठीक है अपना सही है, बिल्कुल सही है, यहीं पे मिस्टेक हो गई है। देखो भैया अपर लिमिट लगाओगे तो पहले एक्स जीरो ना आएगा, इन्होंने पहले कौन सी लिमिट लगा दी, लोअर लिमिट, कौन सी लगा दी है, लोअर लिमिट, तो थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक हो गई है कैलकुलेशन में, समझ गए कि नहीं समझे, बट अपनी कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। अब एक चीज मैं थोड़ा सा और इसको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा और अच्छा समझ में आ जाएगा। चलो देखो भाई साहब, ये अपने पास में स्प्रिंग थी, बोलो हाँ है ना, हम इसको यहाँ खींच रहे थे, बोलो यस और नो, किस फोर्स से खींच रहे थे, एफ इक्वल टू के एक्स, हाँ है ना। और स्प्रिंग उल्टा खींच रही थी सेम फोर्स से, और हमने इसको एफ इक्वल टू के एक्स से खींचते हुए थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट डी एक्स से खींचा, बोलो हाँ है ना। तो हमारा जो काम पिछले वाले केस में मैंने किसका काम निकाला था, स्प्रिंग का, किसका निकाला था, अब मेरा काम निकालो, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू हमारा एफ इंटू कितना डी एक्स, और बोलो कॉस कितने डिग्री, जीरो। अरे हमारी बात चल रही, हमारा काम, तो हमारा फोर्स कहाँ है, बाहर, और हमारा डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ है, बाहर। अब भैया स्प्रिंग की बात कर रहे थे, पिछले बार स्प्रिंग का फोर्स पीछे था, हाँ है ना, पिछले बार मैंने स्प्रिंग की सेव एनर्जी निकाली थी, इस बार मैं निकाल रहा हूँ अपना किया गया काम, अपना किया गया काम। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, तो भाई साहब डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ की वैल्यू बोलो कितनी, के एक्स और डी एक्स, और कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती, वन, हाँ है ना। तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन कर दो, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन, डी डब्ल्यू यहाँ पे आ गया, के एक्स यहाँ पे डी एक्स, लिमिट निकालो जीरो से लेके कितनी, एक्स जीरो, तो के बाहर, बोलो हाँ, एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन टू, टू को साइड करो, जीरो से लेके कितना, एक्स जीरो, तो आंसर के बाई टू एक्स जीरो का स्क्वायर आ गया। यही है स्टोर्ड एनर्जी, हाफ के एक्स जीरो का स्क्वायर। समझ में आ गया, हमारा काम आपकी, भूल गए क्या, हमारा काम आपकी एनर्जी, हमारा काम और आपकी एनर्जी। तो भाई साहब ये किसका काम है, पीछे हमारा काम, हमने क्या किया,
काम किया खींचने में, हाँ है ना, और वो खींचने की एनर्जी आपने क्या कर ली, स्टोर कर ली, तो U इक्वल टू कितना आ गया, हाफ के एक्स जीरो का स्क्वायर। बोलो क्लियर एकदम, बन जाएगा। तो यहाँ तक हो गई बच्चों एनर्जी, इस तरीके से एनर्जी निकाली जाती है।